मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्योति सुनवानी आप सभी का नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन भूला टोला खैरागढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग जो है क्लास 3 मैथ सब्जेक्ट का पूरे चैप्टर्स का वीडियो सीरीज बना रहे हैं, तो अगर आपको ये सारी वीडियोस पूरे चैप्टर का चाहिए तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका धन्यवाद। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जो डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो डिजिट हमको दिए गए हैं उससे हमको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, मतलब कि जो संख्या दिया है उससे हमको बड़ा संख्या और छोटा संख्या बनाने, दोनों को मिला। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो जैसे 2 और 3 दिया गया है तो हमको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो हम लोग 2 और 3 में देख सकते हैं कि 3 जो है बड़ा है, तो क्या करेंगे 3 को पहले लिखना है, उसके बाद जो है इसके बाद जो नंबर उसको लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 3 और 2 से 32 बन जाए। और वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमको इस नंबर जो दिया गया है उसमें छोटा नंबर देखना है, तो कौन सा है, 2 है, तो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर 2 और उसके बाद क्या लिखेंगे 3। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 32 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 23। नेक्स्ट है 1 और 9, 1 और 9 में ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, मतलब ग्रेटर कौन सा है 9 है, तो ये हो जाएगा 9 और स्मॉलर कौन सा है 1, तो ये हो जाएगा 91। और अब हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो छोटा नंबर कौन सा है 1 है, तो लिखेंगे पहले 1 उसके बाद क्या लिखेंगे 9, तो ग्रेटेस्ट नंबर 91, स्मॉलेस्ट नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर हम देखते हैं वो 2 डिजिट वाले नंबर थे, अब ये है 3 डिजिट वाले हैं, तो इसमें देखिए 386। अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले इन तीनों में देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा क्या है 8 है, उसके बाद बड़ा कौन सा है 6 है, उसके बाद क्या है 3, तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा 363। अब वहां पर हमको क्या बनाना है 863 सॉरी। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 368, मतलब कि 368 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 529, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ग्रेटर नंबर 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 952। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, फिर हो जाएगा 5, उसके बाद 9, तो ये हो जाएगा 259। अब आगे क्वेश्चन है 032, तो हमको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है 3, देन 2, फिर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 320। अब हमको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 0, 3 और 2 को मिलाकर, तो यहाँ पर हम लोग अगर ऐसे आप कैसे बनाएंगे 0, 2, 3 बनाते हैं, अगर हम लोग 0, 2, 3 बनाते हैं तो इसमें क्या हो जा रहा है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है सामने है, तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जा रहा है, मतलब कि ये जो है गलत होगा, तो हमको कैसे लिखना है जो 0 के बाद है, मतलब कि 2 और ये फिर क्या आएगा 0, उसके बाद जो है एज इट इज लिख देना है 3। तो ये जो 0, 3 और 2 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 203 बनेगा, क्या बनेगा 203 बन जाएगा, तो इसको मिटा देना है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर जो है 203 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इसमें भी 0 है 105, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर हम जानते हैं क्या बन जाएगा 510 बन जाएगा, है ना, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 0 के पहले वाला पहले आ जाएगा, मतलब कि 1 फिर 0 फिर ये 5, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 105 बन जाएगा। नेक्स्ट है 768, तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा क्या है 8 है, तो 876, और स्मॉलेस्ट के लिए 678 हो जाएगा,
उसके बाद है 394, तो इसमें ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या आ जाएगा, पहले 9 आ जाएगा, 943, 943, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या आ जाएगा, 349, मतलब कि 349। तो इस तरीके से जब हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर देख लिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमको देखना है, किसी भी नंबर में उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है और उसका फेस वैल्यू क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 483, जो अंडरलाइन नंबर है उसका हमको फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 483, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। किसी भी नंबर का जो फेस वैल्यू है वो वही नंबर ही होता है। और अगर हम देखें 3 का क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, मतलब 3 का 3 जो है किस प्लेस में, किस जगह पे वो है उसको बताना है। तो कैसे लिखेंगे, 3 किस प्लेस में है, वो अभी वंस में है। तो वंस मतलब कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, क्योंकि आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 607, तो इसमें हमको किसका फेस और प्लेस वैल्यू बताना है, 0 का बताना है। तो 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और प्लेस वैल्यू भी 0 ही होगा। लेकिन वो कैसे होगा देखते हैं। ये 0 कौन से प्लेस में है, टेंस में है, मतलब कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेंस, टेंस से। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, मतलब कि उसका प्लेस वैल्यू भी क्या आ गया, 0 आ गया। और एक और बात है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं 0 है, तो 0 के बाद कितने नंबर है, 1, तो उसके बाद जितने नंबर है उतना हमको 0 लगा देना है। तो जैसे कि यहाँ पे 0 लिखे हम लोग, और एक नंबर है 7, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर 0 लगा दी। तो इस तरीके से हमको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है 545, इसमें किसका निकालना है, 100 वाले 5 का निकालना है, है ना। तो इसका प्लेस वैल्यू, तो सॉरी फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, 5 कौन से प्लेस में है, हंड्रेड्स में है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो क्या हो जाएगा, 500, और 5 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, मतलब हमको कितने नंबर लिखे हैं हम लोग, 2 नंबर। या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और उसका प्लेस वैल्यू देख के भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 218, तो 8 का जो है क्या है, फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा, और इसका क्या प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 1 = 8 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 937 में हमको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखने, किसका, 3 का, तो 3 का फेस वैल्यू हो जाएगा 3, और उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × कौन से प्लेस में, वो टेंस में, मतलब कि मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 10 से करना है, तो आ जाएगा 3 0, और 3 के बाद एक नंबर है, मतलब कि 1 0 लगा दी हम लोग, ऐसा भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 742 में 7 का हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 × 100 में है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 700। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट 367, तो इसमें 3 का जो है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 100 में है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 300। अब नेक्स्ट है 500 में जो फर्स्ट डिजिट में जो 0 है उसका हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो इसका फेस वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा और प्लेस वैल्यू भी 0 होगा, लेकिन इसको देखते हैं, 0 वंस में है, मतलब कि 1 × होगा, और ये फिर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमको किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। थैंक यू। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्किप काउंटिंग और सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर।
तो ये दोनों टॉपिक हम लोग को अभी करना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्लीप काउंटिंग, जिसमें से पहले है काउंटिंग बाय फाइव्स। काउंटिंग बाय फाइव्स मतलब कि हमको जो नंबर दिया गया है उसमें क्या करना है, फाइव ऐड करते जाना है, फाइव को जोड़ते जाना है। तो सबसे पहले दिया है 251, तो 251 में हमको क्या करना है, फाइव ऐड करना है। तो 51 के बाद फाइव आगे जाएंगे तो 52, 53, 54, 55, 56, तो क्या आ जाएगा 256। अब ये 256 में फाइव जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 56 के बाद 57, 58, 59, 60, 61, तो क्या हो जाएगा 261 हो जाएगा। अब 61 में फिर फाइव जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 266 हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब काउंटिंग में फाइव हो रहा है, मतलब आपको पांच ऐड करना है उस नंबर। अब देखो क्या है, 514 है तो उसमें क्या करना है, 514 में फाइव ऐड करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा 514 के बाद पांच आगे जाएंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, क्या हो जाएगा 519 हो जाएगा। 519 के बाद आगे पांच आगे आएंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, क्या हो जाएगा 524 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 आगे आएंगे तो 24, 25, 26, 27, 28 और 29, तो 529 हो गया। तो इस तरीके से आपको 2 दिया रहेगा तो 2 आगे बढ़ना है, 3 दिया रहेगा तो 3 बढ़ना है। जैसे कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है काउंटिंग बाय सेवन, मतलब हमको क्या करना है, सेवन आगे जाना है, मतलब कि सेवन ऐड करके जाना है। जैसे इसमें दिया है 405, तो 405 में हमको क्या करना है, सेवन ऐड करना है। तो 405, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या हो जाएगा 412 हो जाएगा। क्या पर लिखेंगे 412, ये 412। अब 412 में क्या करना है, 7 ऐड करना है, तो 412 में फिर 7 करना है तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्या हो जाएगा 419। यहाँ पर लिख देना है 419 में अब क्या करना है, 7 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 426 हो जाएगा। नेक्स्ट 611 में क्या करना है, 7 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 618 हो जाएगा ये। अब इसमें 618 में ऐड करना है तो 18 के बाद 7 आगे जाना है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो क्या हो जाएगा 625। इसके बाद 625 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के बाद 7 आगे जाना है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 632। इस तरीके से हमको स्किप काउंटिंग करना है, जो भी नंबर दिया जाएगा उतना हमको आगे बढ़ते जाना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, मतलब कि कोई भी नंबर दिया रहेगा तो प्रीडेसेसर बोल रहे हैं मतलब कि इसके पहले, और सक्सेसर बोल रहे हैं इसका मतलब इसके बाद जो नंबर आता है। तो 500 में उसका प्रीडेसेसर क्या होगा, 500 के एग्जैक्ट पहले क्या आता है तो 499, और उसका सक्सेसर क्या होगा किसका, 500 का, तो उसके बाद जस्ट क्या आता है तो 501 आएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट 754 दिया है तो इसका प्री क्या होगा, प्रीडेसेसर क्या होगा हमारा 754 के पहले 53 हो जाएगा, और इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है 649, तो उसका प्रीडेसेसर हो जाएगा 648 और सक्सेसर हो जाएगा इसका 650। 109 का प्रीडेसेसर हो जाएगा 108 और इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा 110। इसके पहले क्या आएगा, मतलब कि प्रीडेसेसर क्या हो जाएगा
और सक्सेसर क्या हो जाएगा 295 का, प्रीडेसेसर क्या हो जाएगा 764 और इसका सक्सेसर हो जाएगा 766। तो इस तरीके से हमको ये जो है दोनों टॉपिक करना है। अगर आपको अपने प्रैक्टिस के लिए इस टाइप का क्वेश्चन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।